हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग रिव्यूज़ एंड क्यूज़ में। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूँ वैकेंसी की। जी हाँ दोस्तों, वैकेंसी की यहाँ पर अपडेट होने वाली है। बम्पर भर्तियाँ यहाँ पर होने वाली है, जो कि दोस्तों यह जो वैकेंसियाँ होने वाली है जयपुर राजस्थान से होने वाली है। शिक्षा विभाग और चिकित्सा विभाग में 65,000 पदों पर भर्तियां का आदेश जारी किया गया है, जो कि चिकित्सा मंत्री एवं शिक्षा मंत्री के द्वारा निकाला गया है। हॉस्पिटल केयरटेकर भर्ती पहली बार एमबीए डिग्रीधारी लगेंगे। हॉस्पिटल केयरटेकर के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जो कि 55 होने वाली है, जिसमें कि एमबीए लिए जाएंगे। यहाँ सर्वाधिक 60,000 पदों पर शिक्षा विभाग में और 5,000 पदों पर भर्तियाँ चिकित्सा विभाग में होने वाली है। अब चिकित्सा विभाग में 5,000 भर्ती होने वाली है। चिकित्सा विभाग में इस 5,000 में से किसकी कितनी पोस्ट होने वाली है वो हम यहाँ देखने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों पहली बार लैब टेक्नीशियन व सहायक रेडियोग्राफर की लिखित परीक्षा होगी, यानी कि दोस्तों अंकों के 70% और अनुभव के अंकों को मिलाकर अधिकतम 30% मिलाकर मेरिट तैयार की जा रही है। यहाँ अब दोस्तों आपको जो है बोनस अंक भी मिलने वाला है। अब यहाँ हम देखने वाले हैं दोस्तों किस कैडर में कितनी भर्ती होने वाली है, यानी कि चिकित्सा विभाग का हम यहाँ सबसे पहले देखने वाले हैं। चिकित्सा विभाग का यहाँ देखेंगे, चिकित्सा अधिकारी की पोस्ट होने वाली है 864। इसके बाद में नर्स ग्रेड सेकंड यानी कि नर्सिंग ऑफिसर्स की यहाँ पर होने वाली है 1250। दोस्तों भर्ती प्रक्रिया जो होने वाली है वो आरपीएससी के द्वारा होने वाली है। जी हाँ, आरपीएससी के द्वारा यहाँ होने वाली है, तो इस वैकेंसी के चांसेस बहुत कम होने वाले हैं कि ये क्लियर हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हॉस्पिटल केयरटेकर की 55 होने वाली है, लैब टेक्नीशियन की 900 पोस्ट यहाँ होने वाली है, और आगे बात करें तो 800 पोस्ट सहायक रेडियोग्राफर और 1155 पोस्ट जो है चिकित्सा या राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की यहाँ होने वाली है, यानी कि जो है दोस्तों एएनएम की पोस्ट होने वाली है 1155। जी हाँ, 1155 यहाँ पोस्ट होने वाली है, जिसको कि राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड जो है सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा। आगे यहाँ शिक्षा विभाग की भर्ती होने वाली है, जिसमें तृतीय श्रेणी यानी थर्ड ग्रेड कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती और स्कूल व्याख्याता और शिक्षा विभाग में अन्य पद यानी कि 16,000 के लिए भर्ती की जाएगी। राजस्थान में दोस्तों यह विशेष रखा गया है कि शिक्षा विभाग में भर्तियाँ ज़्यादा से ज़्यादा की जाती है, चिकित्सा विभाग में बहुत कम भर्ती की जाती है या नहीं के बराबर की जाती है, और यदि निकल भी जाती है तो वह जल्दी से पूरी नहीं होती है। दोस्तों यह एक अभिशाप है चिकित्सा विभाग को राजस्थान के नेताओं के द्वारा कि यहाँ पर चिकित्सा विभाग में उनको वैकेंसीज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, भर्ती की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन आई थी 11 तारीख के न्यूज़पेपर में आई थी, जो मैंने आपको शेयर करी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू, गुड बाय दोस्तों।